फोन भी ले रहा हूँ तो क्लास करूंगा, फोन आ गया था तो उसके चक्कर में वो क्लास उड़ गई। सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन बोलो। अच्छा पहले कॉपी कर लो बेटा। क्वेश्चन बोल दे मैं कर दूंगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है क्या? 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3. 5x minus 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square. मैं इसमें 5x को 6x minus x minus 2 चाहे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि 5x करवा हाँ जो है हो गया ना जो कॉपी। नहीं सर अभी नहीं हुआ, एक मिनट बस। सर हो गया। क्वेश्चन है 5x minus 2 upon 1 plus 3x plus 2x square में। 1 plus 2x plus 3x square। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वैसे उसको बोलते 5x minus 2 3x square plus 2x plus 1, ठीक है जी। अब बताओ अंदर का डेरिवेटिव क्या होता है? 6x plus 2। तो पहले तो 5 को ले लो कॉमन, ठीक है जी। फिर आप क्या करो, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब 6x plus 2 चाहिए, तो से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। प्लस 2 माइनस 2 कर दो भाई। अच्छा ओके। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो पूरा का पूरा डेरिवेटिव है नीचे वाले का, ठीक है। और बाद वाले पार्ट में आ रहा है माइनस 22 बाय 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो दोनों का इंटीग्रेशन अब आप सेपरेट कर दो। इसका डेरिवेटिव तो पूरा का पूरा ऊपर पड़ा ही हुआ है, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 22 बाय 6 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बाद वाले में आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? वो है कि 3 ये जो कॉमन है 1 बाय 3 का स्क्वायर ऐड 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस,
वन बाई थ्री का स्क्वायर ऐड और प्लस वन बाई थ्री को हमारे को पड़ा ही हुआ है फाइव बाय सिक्स लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस ट्वेंटी टू बाई एटीन हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाय नाइन प्लस वन बाय थ्री कितना होता है माइनस थ्री प्लस नाइन बाय ट्वेंटी सेवन तो सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन या तीन से काट दो टू बाय नाइन तो पॉजिटिव टू बाय नाइन आ रहा है तो रूट टू बाय थ्री का होल स्क्वायर ठीक है जी कौन सा फॉर्मूला अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ठीक है वन बाय ए tan inverse x plus 1 by 3 upon root 2 by 3 plus k. ठीक है जी 5 by 6 log 3x square plus 2x plus 1 minus 22 by 9 root 3 tan inverse 3x plus 1 ये है क्वेश्चन ठीक है जी कुछ पूछना जो है हाँ जी यार वंश कुछ पूछना है कॉपी करो बेटा माइनस इलेवन अपॉन थ्री रूट टू लास्ट वाले पार्ट में तो मेरे देखने में गड़बड़ है सही आ रहा किताब आ मैंने गलत दिखा हुआ रूट टू बाई थ्री लिखेंगे माइनस इलेवन बाय थ्री रूट टू आ जाएगा अंदर सही लिखा हुआ था बाहर गलत हाँ जी फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स तो सिक्स एक्स फिर प्लस टू माइनस टू किया ऊपर की बात कर रहा है हाँ. क्या मतलब समझा नहीं क्या इसमें था ना स्टार्टिंग में कि 5x माइनस 2 है अंदर नीचे वाले के डेरिवेटिव के साथ 6x प्लस 2 होना चाहिए था तो मैंने 5x को 6x प्लस x 5x प्लस x माइनस 6 किया x माइनस x किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा 6x माइनस x माइनस 2 के फिर प्लस फिर तो दोबारा कराओ x को दोबारा सॉल्व हां अब क्वेश्चन गिव मोस्ट टाइम पे ये हो गया बेटा हमें ना अगर हम एक्स वाली टर्म को जितना ज्यादा करते हैं हमारे उतना क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है हमें एक्स वाली टर्म को तो एक ही रखना है ना कोई बात नहीं हम ध्यान करना आगे से ऐसे करिए वो तरीका बहुत लंबा तरीका है तो फिर एक्स को दोबारा करेगा फिर 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई फिर तो सिर्फ 5x ऐड करेगा फिर 5x माइनस करेगा फिर तो यही करते रह जाएंगे हम क्वेश्चन तरीका गलत तो नहीं ना अगर तरीका गलत नहीं बट बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया वो तो तीन चार पार्ट बन गया होगा इसके हां इसमें आई फोर तक चला गया दो बारी में क्वेश्चन खत्म कितने हो गए कितने हो गए काफी हो गए शेयर्ड फोल्डर में जाके देखिएगा ना बहुत सारे हैं अभी तो क्या करवा लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ हारा जी बोल सर रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग बेटा हो गई है पूरी नाम हो गई बस मेरे को आज जाके ना घर पे डाल देंगे मैं सबके नाम चेंज करवा रहा था वो वही कर रहा है बैठा हुआ ना तो सारी रिकॉर्डिंग देखो तुम अब ग्रुप में जाके देखो ना रिकॉर्डिंग पे भी नाम लिखे हुए आ रहे हैं सबके अब तुम जाके उसमें भी देखोगे ना ग्रुप के अंदर भी तो रिकॉर्डिंग पे सबके नाम लिखे हुए भी आ रहे हैं तो मैं रिकॉर्डिंग सारी चेंज कर दी है नाम चेंज हो गए बट एक दो दिन लगे आज जाके डालूंगा ना मैंने फोल्डर भी बना दिए सारे मतलब ड्राइव भी बना चुका हूँ बट उसमें ड्राइव में ना डेटा थोड़ा ज्यादा है डेटा है कोई 200 GB का 200 GB और ड्राइव बन रही है सिर्फ 4 तो 15 64 GB जा पा रहा है बाकी जाएगी 200 GB के 4 तो 50 GB एक में गए ना एक में 15 GB जाता है ना डेटा मैक्सिमम 15 GB जाता है ड्राइव में एक ड्राइव 15 GB जाता है तो मेरे को कम से कम 10 ID बनानी पड़ेगी बारह चौदह पंद्रह आईडी बनानी पड़ेगी अभी सिर्फ 4 ही बनेंगे
कोई बात नहीं, मैं तुमसे आईडी लेके ड्राइव से काम चाहिए मुझे तुम्हारे मोबाइल नंबर से, जिससे आईडी बनेगी। कहां से लाऊं, मेरा ही मोबाइल घर वालों ने ले लिया, एक ही मोबाइल पे 10 नंबर चल रहा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, देखता हूं बैठ के बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ऊपर कर दो, ऊपर कर देते हैं सर। इसके जैसे एक क्वेश्चन और भी है, उसमें नीचे बस पूछ। अरे तो कुछ भी पूछ ले यार, जो तेरा मन करे तो पूछ, सोचा मत कर, पूछ जाएगा, मन की भड़ास निकाल दे। सर इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7, शांति रख कर ले, वो कॉपी कर रहा है तो क्वेश्चन में से बोल दे, बोल। इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ root of x minus 5 into x minus 4, x minus 5 into x minus 4. इसका मेरा आंसर नहीं निकला, स्टेप्स तो हमको समझ आ गई थी कैसे करना, बट आंसर नहीं निकला मेरा। सो डन, ओके जी, देखो डन 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 डन। अब अगला क्वेश्चन है अब आपके पास, आप क्या करोगे, आप इसको अंदर पे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा x का 9x plus 20, तो ऊपर मुझे चाहिए 2x minus 9, ठीक है? तो आप पहले तो 6 को कॉमन ले लो, ठीक है? अब 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, टू एक्स माइनस नाइन चाहिए, माइनस नाइन प्लस नाइन, माइनस नाइन प्लस नाइन, प्लस थ्री इंटू 34/3 ठीक है जी। अब यहां पर तो नीचे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर बिकॉज नीचे क्या पड़ा, रूट में पड़ा हुआ, तो आई बिकम्स 3 इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका आंसर होता है 2 रूट एफ एक्स, हाँ जी ठीक है, प्लस 34 आ गया बाहर, इसको बना दो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे, 9 का हाफ कितना होता है, 9/2, प्लस 9/2 का स्क्वायर प्लस 20, ठीक है, तो साइड में जाके मैं सॉल्व कर रही हूँ, माइनस 81/4 प्लस 20, तो माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है जी, बस को लिख दो, हो गया काम। क्या हो जाएगा राजी, एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है, तो log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, अब देखो इसको है ना, यही मत लिखो, सीधा वही टर्म लिखो जो ऊपर वाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है जी, क्लियर, क्योंकि उसी को सॉल्व कर करके आए थे ना, अरे यार आंसर वो तो बाय चांस, लेकिन मैंने क्लेरिकल मिस्टेक की, क्वेश्चन थोड़ा गलत होते पर। सर मैथ्स की आंसर शीट पे कोई चेंज आया है,
मेरे को सब अकाउंट्स में तो आए अकाउंट बना बनाया मिल रहा है चल निकल जा बड़ी क्या दिक्कत है सर दिक्कत ये है कि फॉर्मेट के जो सबसे बड़े वाले बच्चे थे वो सोते स्टार्टिंग में इन्होंने जो बड़ा फॉर्मेट अकाउंट्स का जल्द था वो सबसे एंड में है अब हम कहां क्वेश्चन करें हम क्वेश्चन तो आया तो हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा फिर कुछ करना पड़ेगा शुरू शुरू के पेजों में भी खाली है ना बट फॉर्मेट तो एंड में है खुद बना दो तो फॉर्मेट का मतलब क्या है खुद ही बदल दे बोलते रहे हमने पागल सीबीएसई तुम्हें पता नहीं उनका फायदा होता एक और तरीका ना तुम्हारे पास तुम उनको बोल दी मुझे एक्स्ट्रा शीट चाहिए जनरल वाली कैसे कैसे मिल जाएगी तुम्हें उसको वहां पे अटैच कर दो कुछ या तो हम क्वेश्चन को ऑर्डर चेंज कर दे क्वेश्चन जनरल अगर मैं तेरे को जनरल जनरल दोनों मांगे कैसे करेगा कोई तो दिक्कत है ना जनरल की एक पहले तीन चीज अब जैसे मतलब एडमिशन का क्वेश्चन आ गया उसमें वो भी एक रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मांग रहे कैसे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए तो उसके लिए जगह की जगह छोटी तो उसमें खुद ही फॉर्मेट स्टोर करने पड़ेंगे उसने इतना बढ़ा दिए अब पार्टनर कैपिटल को उसमें 1% के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल बन सकते हैं अब उसे 3 या 2 के हिसाब से बांटना पड़ेगा तो वो भी एक दिक्कत है मत करो ना तुम्हें जो आता तुम वो करके आओ खत्म तुम टेंशन मत लो ठीक है तुम वैसे भी तो परफॉर्मेंस ड्रॉ करते थे ना आज तक तो उन्होंने दिमाग चला दिया बेवकूफ हुआ था अनपढ़ है वो लोग सारे मैं तुम्हें बताया था सीबीएसई मुझे समझ में नहीं आता यार इतने क्वालिफाइड लोग होते पता नहीं क्या है सर मेरा हो चुका है मैं साथ साथ ही कर रहा था कुछ तेरी वेट ही कर रहा हूँ तो आगे बोल भाई कुछ सर वो है सर वो है भाई अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर बस इतना सही है हाँ इसमें नीचे तो परफेक्ट 15 का रिलेटिव देखो क्या आ रहा है 4 माइनस 2x आ रहा है हाँ तो पहले माइनस 2 से डिवाइड कर दो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है जी तो 4 प्लस 4 माइनस ठीक है जी अब नीचे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है बस ठीक है जी और माइनस 8 अपॉन अब तो आपको क्वेश्चन आसान हो गया दोनों पार्ट में ले जाओ माइनस 1/2 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर तो नीचे आएगा पूरा डेरिवेटिव पर पड़ा हुआ लिख देना साइड में बिकॉज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 रूट एफ एक्स प्लस के रूट एफ एक्स प्लस के हो जाएगा ठीक है जी ये तो हो गया जी 2 रूट एफ एक्स क्लियर अब वहां पर है हमें दिक्कत तो हम क्या करेंगे माइनस को निकालेंगे कॉमन अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर माइनस ठीक है जी क्या बन गया i इज इक्वल टू ध्यान से देखना माइनस 1 बाहर पड़ा हुआ है अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ये क्या देखो 4 माइनस या 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ठीक है माइनस 4 साइन इनवर्स x बाय माइनस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाय 2 साइन इनवर्स
एक्स माइनस टू अपॉन टू प्लस के, खत्म। यही आंसर है, कैरी कर लिया। ये तो जॉय जी कॉपी करो, जॉय है वंश, जॉय है बेटा, वंश भी नहीं है सर, वंश तो है, बोल नहीं रहा ना वंश। मैं भी तो आपका स्टूडेंट है। हाँ वंश, कर रहा है बेटा कॉपी? यस सर। सर हो गया या कर रहा है? सर हो गया, हो गया। हाँ बोल राजे, तू अगला क्वेश्चन बोल। अब कौन से नहीं है वो बता दो, वही कराया था मैं। एनसीईआरटी के तो यही है मेरे में, इंटीग्रेशन की जो अब तक पूरी हुई है। एनसीईआरटी पूरी हो गई? इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गई है, बस डेफिनेट एक बार रिवाइज करना है फिर से। इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी है तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल के एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। हां सब समझा दो, मेरा बदला हो जाएगा, तेरा बदला हो जाएगा। मैं पहली बार a टू b fx dx है, माइनस fx को करते हैं तो मेरी रिवीजन चल रही है। सुन लेना यार, पहले सुन तो जी, मैं पता नहीं क्या बोलने वाला, तू पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे क्या पता, तू क्या बता रहा है। fx का इंटीग्रेशन a टू b fx dx होता है, पहली बात तो ये। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर वन, अगर a टू b fx dx, 90% क्वेश्चनों में यही प्रॉपर्टी रखती है, तो ये a टू b F a plus, 90% क्वेश्चनों में इसी प्रॉपर्टी को लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट लगाया जाए तो भी यही प्रॉपर्टी लग रही है। अब जीरो और ए का एडिशन ए ही होगा, तो दोनों प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। इसके बाद अगर जीरो जीरो से टू ए तक होगा तो लिमिट डबल होगा, आप उसको हाफ करना चाहते हो, तो आप पहले जीरो टू ए लिखोगे एफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर एफ ए माइनस एक्स नहीं होगा, ध्यान रखना, जीरो जो यहां पर क्वेश्चन है उसी को देखना है। जीरो टू ए का एडिशन क्या था, टू ए एफ टू ए माइनस एक्स हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, तो भी जीरो टू ए ही होता है एफ एक्स डी एक्स। अब बताओ माइनस ए और ए का एडिशन क्या होगा, जीरो, तो ये माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये चार आपकी मेन प्रॉपर्टी है। अब दो सब्सिडरी प्रॉपर्टी है, क्या क्या दो सब्सिडरी प्रॉपर्टी है? अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, कभी भी अगर आपको लिमिट को चेंज करना हो तो माइनस का साइन बाहर आ जाए, छठी प्रॉपर्टी। अगर a से एक d तक लिखा हो तो आप इसको a से b तक लिख सकते हो, फिर b से d तक लिख सकते हो, या ए से सी तक लिख सकते हो, सी से डी तक भी लिख सकते हो, या ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी तक जा सकते हो, बी से सी तक जा सकते हो, सी से डी तक जा सकते हो, जितने मर्जी स्टेशन बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। नंबर सेवन, अगर कभी भी ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखो, और कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, आप x की बजाय y, y की जगह z, z की बजाय w कुछ भी रखना चाहते हो, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, एफ डब्ल्यू भी रख सकते हो, p भी रख सकते हो, और आप दोबारा वापस आना चाहते हो a टू b,
एफ एक्स डी एक्स, तो वो भी रख सकते हो आप, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बताओ यवि दी ग्रेट, तो थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा नीचे कर देते। ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो, ये चार प्रॉपर्टी के अंदर 95% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ऊपर की तो पहली चार है, ऊपर की दो और बाकी दो, ये जो है बस 1, 2, 3, 7 आपको कुछ समझ में नहीं, चारों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो बिस्किट अंदर रख दिए, बिस्किट अंदर रख दिए, कोई बात नहीं, तो पहले ही बोल देता है, कोई दिक्कत होगा ना। कितनी हो गई अप्रोक्सीमेट? काफी कर रखे, पिछले साल की बना रखी थी, कर रखी, कुछ दिव्या ने भी कर रखी है, काफी बच्चों को बोलता रहा था, बच्चे सारे करते थे, बट एक बार कोई बैठ के ना कंटिन्यूअसली नहीं करता, तू कंटिन्यूअसली कर देगा ना तो काम करता। मैं तेरे को एक फाइल भेजूंगा, अभी फोटो खींचूंगा घर जाके, तो वो कैश फ्लो की फाइल है, मैं तेरे को बताया था मैंने कुछ वो एंट्रीज करनी है, तो कैश फ्लो की एंट्री करवा दूंगा, वो जो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री मेन एंट्री उसको कर रखा मैंने अलग अलग तरह से, तो मैं भेज दूंगा उसकी पीपीटी बना दी। सर एक वो वाला क्वेश्चन समझा दो, वो log sin 90 plus x 90 minus वाला x 90 और इस पे sin x upon sin x plus cos x होता है 0 से 90 वाला, इस पे हम sin 9 वो के देते हैं, दो अलग इंटीग्रेशन करते हैं, x sin 90 minus x equal cos x होता है, तो ऐड करके करते हैं। हां जी बेटा, हो गया सर, लास्ट क्वेरी कॉपी करनी है, ऊपर कर दो। अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर्टी पर ढंग से पढ़े ना, मेरे तरीके से, मेरे तरीके से, आप किताब के अंदर देखो, किताब पे प्रॉपर्टी ऐसे लिखी नहीं हुई, 3 और 4 वाली जो है, वो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पता नहीं क्या क्या करवाता है। ठीक है, छोड़ो ना, क्या होता है फंक्शन इवन तब होता है जब एफ टू ए माइनस एक्स जो लिखा हो ना बाद पार्ट, ये fx हो जाए तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं, और अगर f2a माइनस x माइनस fx हो जाए तो ऑड फंक्शन कहलाता है। सर डन, सर की बैटरी खत्म हो गई, बैटरी बंद नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, बैटरी का सकते हो। हाँ जी, देखो भी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है छोरा, आइए 0 से 5 पहला जो क्वेश्चन आपको करवाया था, शायद चैप्टर यहीं से शुरू करा था, नहीं वो वाला लॉग वाला, इसमें तो मतलब लॉग साइन एक्स वाला, तो जो कह रहा sin x upon sin x plus cos x, एक ऐसा भी तो था log वाला, log किसान में पता था क्वेश्चन दे क्वेश्चन, अब तो नहीं ऊपर जैसे आता कि log sin x था 0 से कुछ था, ये log sin x है, पर रुको भाई, ये भाई साहब तंग करने के मूड में है मेरे को, राने ये तो भी कह रहे किया तो रहा, ये तो भाई साहब देखो स्क्रीन नजर आ रही है आपको,
देखो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये i लिखा हुआ 0 टू पाई वाज ऑफ 1 + cos x, तो आप 1 + cos x या फिर 2 cos पर x / 2 लिख सकते हो। अब ये 0 टू पाई लिखा हुआ है तो पहली बात तो 0 टू 2 है भाई, प्रॉपर्टी लग रही है यहां पर। हां मैं चाहूं तो वो लगा सकता हूं। हां जी तो मुझे करना वही चाहिए था, तो इसे मैंने वाला क्वेश्चन दोबारा करवाया था। देखो ये पढ़ो, मैंने इसमें ना प्रॉपर्टी लगा दी 0 टू 2 a वाली, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब कभी आपको लगे कि लिमिट ऐसी जो ब्रेक होके अच्छी बन सकती है तो आप 0 टू पाई बाय 2 वाली बना दो। आपने कर रखा log 1 + cos x 0 टू पाई बाय 2 log 1 minus pi minus को x हो जाएगा, cos 180 minus theta क्या होता है minus cos theta, दोनों ऐड हुई क्योंकि लिमिट सेम है, तो log 1 + cos x + log 1 minus cos x, तो log m + log n क्या होता है log m into n। मत घुमाएगा तो मेरे सामने, मैं अभी लेक्चर देके हटा हूं बच्चों को स्पेशली एक घंटा, पता नहीं बच्चों का रिजल्ट नहीं आता जो बच्चे पेन घुमाते हैं, उनका दिमाग पता नहीं क्यों डम्ब नजर आता है मेरे को, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें कर जाती हूँ, बाद में पूछो रिजल्ट नहीं आता ऐसे बच्चों को, इसे मैं मना करता था, मत घुमाएगा मेरे सामने, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जितने बच्चों को देखना ऐसे करते हो उतना रिजल्ट नहीं आता। हाँ जी log 1 minus cos x into 1 plus cos x हो जाएगा, 1 minus cos square x हो जाएगा, 1 minus cos square x क्या था sin square x, 2 पावर आ गया आगे, देखो log sin x वाला क्वेश्चन बन गया अभी। तो पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू पाई बाय 2, 0 टू 2a, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू a log पाई बाय 2 sin x और 0 टू पाई बाय 4। अब मैंने इसको हाफ कर दिया बल्कि लिमिट को, फर्स्ट टाइम ट्राई करा है मैंने वाला क्वेश्चन इस तरीके, 0 टू पाई बाय 4 log sin x log sin 90 minus x क्या होगा, 0 टू पाई बाय 4 log sin x plus 0 टू पाई बाय 4 log cos x, अब मैं दोनों को क्या करूंगा ऐड, तो log sin x into cos x हो जाएगा, log sin 2x हो गया, sin 2x upon 2 हो गया, log m upon n हो गया, log m by n क्या होता है log m minus log n, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब 0 टू पाई बाय 4 log sin 2x हो गया, इसको मैंने i1 मान दिया, और बाद वाले का तो log 2 है ही है, वन का इंटीग्रेशन क्या था x, लिमिट लगा दो, तो 2i1 minus pi by 2 log 2 हो गया, ठीक क्लियर। अब i1 को मैंने सॉल्व करना शुरू करा, i1 क्या 0 टू पाई बाय 4 log sin 2x है, मैंने क्या करा 2x को t मान लिया, 2x को जैसे ही t माना 2dx dt हो गया, तो x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या होगी 0, जब x वैल्यू पाई बाय 4 है तो t क्या होगा पाई बाय 2, लिमिट क्या होगी 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt। मेरे को पता नाम मैं चेंज कर सकता हूँ कभी, तो मैंने t की जगह दोबारा x रख दिया। अब ये तो मेरा i1 था, रिप्लेस कर दो 1/2i, ठीक है बस। अब इस i1 की जो वैल्यू है 1/4i आ गई, यहाँ पे रिप्लेस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है i जो था 1/4 log 2 रखेंगे तो 1/2 हमारा कट जाएगा, ठीक है तो 1/2 log 2 इसको सॉल्व कर दो माइनस 5/2 log 2 आंसर, करो कॉपी, ये तेरा वो फेवरेट क्वेश्चन भी कर रखा है मैंने दोबारा देख, ठीक है। हाँ जी जॉय जी आपने कर रखा है वो क्वेश्चन जॉय जी, सर करी सर याद नहीं, फिर से कर लेता हूँ, कर ले दोबारा कर ले, शाबाश, ये बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, करो भाई साहब आप भी कॉपी करो, क्वेश्चन पूछता है कॉपी तो करता नहीं तू, अरे करता है क्वेश्चन भी करता पर अरे करता है अरे अरे करता रहता है बस कॉपी क्वेश्चन करता। सर सर मैं जाऊं जा, किस चीज का पेपर है तेरा पहले, इंग्लिश का, इंग्लिश का सर, उसके बाद केमिस्ट्री का सीधा 28 को। अच्छा चल ठीक है राजी कर ले, ओके थैंक यू सर, ओके राजी बाय बाय, साइंस वालों का बैंड भी जो हुआ है, साइंस वालों के बेचारों की हालत खराब है।
उनके लोग बहुत तीन दिन मिल रहे, चार हफ्ते दो दिन मिल रहे मैथ्स, तो 5 दिन है उनके पास। अच्छा हमारे पास